मनुष्य जी में दो ऐसी चीजें हैं जिनका बखान स्वयं भगवान श्री राम नहीं कर सकते। दो ऐसी, पहली भरत जी का प्रेम। भरत जी का प्रेम इतना अगाध है जिसका बखान स्वयं भगवान राम भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्या भगवान राम जानते नहीं है? जानते नहीं है तभी बखान नहीं कर सकते? तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं भैया, जान ही राम न सकई बखानी। भगवान राम जानते तो हैं भरत जी का प्रेम कैसा है, लेकिन ये कहें कि वर्णन करके कह दें तो भगवान राम भी नहीं कह पाते। और एक है भगवान का नाम। भगवान का नाम भगवान भी नहीं गा सकते कि कितनी महिमा है, अनंत महिमा है भगवान के नाम की। भगवान राम स्वयं कहते हैं, तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहूं कहां लगे नाम बड़ाई, कहूं कहां लगे सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए, राम न सकहि नाम गुण गाए। हम तो क्या ही बखान राम नाम की महिमा का करें, भगवान राम स्वयं अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। यह श्री रामचरित मानस एक सरोवर है जिसमें चार घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट और दैन्य घाट। ज्ञान घाट पर स्वयं भगवान शिव बैठे हुए हैं और माता पार्वती को यह कथा सुना रहे हैं। भक्ति के घाट पर काकवसुंड जी बैठे हुए हैं जो कि नीलगिरी पर्वत पर गरुण जी को कथा सुना रहे हैं, और कर्म के घाट पर, यह कर्म का घाट प्रयागराज में है, इस घाट पर याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, और दैन्य घाट पर स्वयं तुलसीदास जी बैठ करके ही अपने मन को ही यह कथा सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर यह कथा, और यहां जो कथा प्रारंभ होने जा रही है, यह कथा प्रयागराज के जो दक्षिण है, दक्षिण में जो घाट है प्रयागराज, वहां से प्रारंभ हो रही है। बड़ा सुंदर आश्रम है भरद्वाज जी का। भरद्वाज मुनि प्रयाग में निवास करते हैं। बड़ा सुंदर आश्रम है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तिनहि तापस सम तम दया निधाना, तापस
परमारत पत परम सुजान परमारत पत परम सुजान। भरद्वाज जी का बड़ा सुंदर आश्रम है। कैसे हैं भरद्वाज जी? भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा तिनहिं राम पद अति अनुरागा। भगवान के चरणों में इनका बड़ा प्रेम है, अति प्रेम। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में माघ मास में कुंभ लगता है, कुंभ का मेला। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सभी लोग आते हैं वहाँ पे और आकर के खूब स्नान इत्यादि करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई। कौन कौन आता है? देव धनुज किन्नर नर श्रेणी। हम और आपको केवल 25% भीड़ दिखाई देती है, 25%। देव धनुज किन्नर ये तो हमको दिखाई ही नहीं पड़ते हैं, हमको केवल माघ मेला में मानव ही मात्र दिखाई देते हैं। और सब लोग आकर के खूब स्नान इत्यादि करते हैं, एक महीना पूरा माघ का महीना पूरा रुकते हैं, वो भजन पूजन करते हैं, स्नान इत्यादि करके बैणी माधव का पूजन करते हैं। और माधव का पूजन करके कहाँ जाते हैं? भरद्वाज जी के आश्रम। भरद्वाज जी का आश्रम परम बड़ा सुंदर है, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य है, रमणीय स्थल है।